नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आउटबाउंड टेक न्यूज़ के नेक्स्ट एपिसोड में। आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं नई नई खबरें आउट इंडस्ट्री और टेक इंडस्ट्री दोनों से। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको तो पता ही है, गाड़ियों की हर कंपनी अपने अपनी गाड़ियों के पैसे बढ़ा ही रहे हैं। तो फोर व्हीलर के बाद अब आती है बारी टू व्हीलर की। जी हाँ, फोर व्हीलर के बाद अब टू व्हीलर वालों ने भी अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ानी चालू कर दी है। बात कर रहे हैं होंडा की, जिन्होंने हाल ही में अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी है। हर वेरिएंट पे आपको 700 से लेकर 1300 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कारण वही कच्चे माल और फ्यूल की कीमतों का बढ़ना है। हम आपको एक लिस्ट दिखा रहे हैं, गौर करिएगा। ये इनकी नई प्राइस है, बढ़ोतरी के बाद इतने रुपये बढ़े हैं हर वेरिएंट पे, हर मॉडल पे। वैसे अब एक्टिवा 6G स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड डिलक्स दोनों में 733 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जो अब स्टैंडर्ड है वो आपको 71,432 रुपये में शोरूम और डीलक्स है वो 73,170 रुपये में आपको मिलेगी। पैसा चाहे टू व्हीलर बढ़ाए चाहे फोर व्हीलर, जेब तो अपनी ही कटनी है। देखते हैं और अब कौन बढ़ाने जा रहा है। लगता है यार जेब वेब रखना छोड़ना पड़ेगा हम लोग को। चलिए फिर अगली खबर की बात करते हैं, वो आ रही है किया से। वैसे आज एक नहीं दो खबर आ रही हैं किया से। पहली खबर की बात करते हैं, किया ने सोनेट और सेल्टोस के 2022 के नए मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। बात करते हैं सोनेट की, जो अब 7,15,000 से स्टार्ट होकर 13,70,000 तक की कीमत जाती है एक्सोरूम। और सेल्टोस की बात करें तो 10,19,000 से लेकर 18,35,000 तक की कीमत पर जाती है। इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड की 4 एयरबैग आपको मिलेंगे और भी कई फीचर्स के साथ इसमें कुछ नए अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। बात करें सेल्टोस की तो 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आपको IMT में भी पेश किया है और 115 BHP की पावर के साथ आपको 280 Nm का टॉर्क मिलेगा। वहीं पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में 1.5 लीटर और 1.4 टर्बो चार्ज आपको देखने को मिलेगा। 1.5 लीटर में आपको 115 BHP की पावर और 144 Nm का टॉर्क और 1.4 टर्बो चार्ज के साथ आपको 140 BHP की पावर और 242 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं सोनेट की, जिसमें एक लीटर का टर्बो पेट्रोल है जो आपको 118 BHP की पावर और 172 Nm का टॉर्क और देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें डीजल इंजन की, जो 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आपको 99 BHP की पावर और 225 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। देखते हैं, और इसमें कुछ नए कलर भी आपको देखने को मिलेंगे। जब आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कैसी है ये गाड़ी। अगली खबर की बात करें वो भी किया से ही है। किया की एक नई इलेक्ट्रिक कार जो जल्दी लॉन्च होने वाली है वो टेस्टिंग के दौरान रोड पे हम लोग को देखी गई है भारत में। बताया जा रहा है कि जून में लॉन्च हो सकती है। इसमें 77 और 58 kWh दो बैटरी आपको देखने को मिल जाएंगी, जो आपको एक सिंगल चार्ज में 528 किलोमीटर की ड्राइव रेंज में कवर करके देगी। 3.5 सेकंड में ये 100 किलोमीटर तक की स्पीड पकड़ सकती है और 260 की स्पीड से चल सकती है मैक्सिमम, और 18 मिनट में 10-80% चार्ज हो जाएगी और 4.5 मिनट में ये चार्ज करने पर ये आपको 100 किलोमीटर की रेंज कवर करके देगी। देखते हैं प्राइस क्या होगी, कब आएगी, जून में जैसे भी होगा हम आपको बताएंगे। वैसे देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, इलेक्ट्रिकल की रेंज बहुत हो रही है जो बहुत अच्छी बात है, जो जिससे हमें पेट्रोल डीजल की प्राइस की बढ़ोतरी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगली खबर की बात करें तो वो आ रही है इन्फिनिटी स्कूटर से, जो अपनी ईवन मॉडल का प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट कर दिया है। बताया जाए ये मेड इन इंडिया स्कूटर है का हाल ही में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और बताया जा रहा है कि 18 अप्रैल से अपनी स्कूटर की डिलीवरी स्टार्ट कर देगी और बताया जा रहा है कि 200,000 यूनिट पर ईयर का प्रोडक्शन करके देगी। देखते हैं कैसी गाड़ी होगी। प्राइस की बात करें तो 77,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। 85 किलोमीटर की रेंज कवर करके देगी और 0-8 सेकेंड में 40 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकती है और मैक्सिमम 65 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड पर जाएगी। और भी कुछ खास फीचर है जैसे कि बूट स्पेयर 12 लीटर का आपको मिलेगा। अब जब आएगी तो हम आपको और बताएंगे उसके बारे में। मेड इन इंडिया है, देखते हैं क्या खास होती है। पैसे की बात है, थोड़ा कम होना चाहिए तभी कॉम्पिटिशन बनी रहेगी। अगली खबर की बात करें वो आ रही है साइबर अटैक से। बताया जा रहा है कि लद्दाख में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर चाइना के हैकर्स ने अटैक किया था। जी हाँ, ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह जी ने बताया है कि लद्दाख में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर चीनी हैकर्स का अटैक हुआ था, जो कि हमारे साइबर टीम ने उसे नाकाम कर दिया था। और ये पहली बार नहीं है, एक बार और हो चुका है इसी के टाइम में। इसके बाद से LAC पे सेना को और मजबूत कर दिया गया है और हमारी साइबर टीम को भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने के लिए इस आ गया है। इन्हीं हरकतों की वजह से हम लोग इनके ऐप्स और फालतू की चीज़ें हैं वो बैन करते हैं, तभी हमको चाइना पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता है।
कुछ ना कुछ ऐसे खुरपेंच हरकत करते रहते हैं ये लोग, बस और कुछ नहीं है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले न्यूज़ एपिसोड में ऐसे ही कुछ नई खबरों के साथ। तो फिर दोस्तों पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अगली एपिसोड में आपसे।